इस वीडियो में प्यारे साथियों क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्यारे साथियों गति अति लघुतरीय संपूर्ण हम लोग मेरे प्यारे साथियों आपको विस्तार से बताएंगे। एक से लेकर जितने क्वेश्चन है इसमें लगभग 12 क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। पिछले क्लास में बताए थे अति लघुतरीय प्रश्न, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक स्कूल में एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा यहीं से रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो चलिए जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए हम लोग यहाँ से आंसर लिखेंगे, लघुतरीय प्रश्न फिजिक्स चैप्टर 1, तय की गई दूरी का केवल परिणाम होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जितना तय किया गया दूरी होता है उसका केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब जैसे आपको मेरे प्यारे साथियों हम बोल दिए कि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी, तो दिशा इसका तो नहीं है। जब दिशा हम निर्धारित करेंगे तभी तो ना होगा जी। ठीक है, तो यही लिखना है मेरे प्यारे साथियों कि तय की गई दूरी का केवल परिणाम होता है, यानी जितना किलोमीटर मान लिया यहाँ से 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर। ठीक है, आपको हम बोल दिया कि 5 किलोमीटर आपको जाना है, हमको ये नहीं बोले कि आपको दिशा भी बोले हैं कि उत्तर साइड जाना है कि दाएँ साइड जाना है कि बाएँ साइड जाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, तय की गई दूरी के केवल परिणाम होता है जबकि विस्थापन को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। बोलेंगे कि आपको यहाँ से दाएं की ओर जाना है, यहाँ से बाएं की ओर जाना है, यहाँ से पूर्व की ओर जाना है, यहाँ से पश्चिम की ओर जाना है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों दूसरा लिख लेंगे, तथा दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसमें केवल परिणाम हो। सदिश राशि किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसमें दोनों हो, परिणाम भी हो और दिशा भी हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आशा करते हैं प्यारे साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, तो चलिए फटाफट इसको भी बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर, देखिए चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर है, एक साइड चाल और एक साइड वेग। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर है प्यारे साथियों, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, इधर लिखेंगे विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, और ये साइड लिखेंगे प्यारे साथियों विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से पता चल गया आपका परिभाषा चाल की और यहां से वेग का भी। चाल किसे कहेंगे प्यारे साथियों, देखिए दूरी परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं और इधर लिख लेंगे विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। दूसरा नंबर लिखना है प्यारे साथियों, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अभी अभी आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों कि अदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, स है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर लिख लेंगे प्यारे साथियों, गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है, कोई भी वस्तु जो गति में है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब गति आपको सब लिखाए थे मेरे प्यारे साथियों कि विरामावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, गति किसे कहते हैं, जो समय के साथ परिवर्तन होता है मेरे प्यारे साथियों उसे गति कहते हैं। तो गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है, ठीक है, और गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। चलिए तो सेकंड का आंसर मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार लिख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल मेरे प्यारे साथियों। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सेकेंड नंबर थर्ड नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर हो गया हम लोग का, धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल सवार की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, धावक की चाल क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल सवार की चाल क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए जी, तो देखिए प्यारे साथियों सबसे पहले लिख लेंगे धावक जो है, धावक की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सिंपल आप समझिएगा किलोमीटर घंटा को मेरे प्यारे साथियों मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको सिंपल बदलने के लिए किलोमीटर, यहाँ से देखिए एक सिंपल आपके नोट है याद रखिएगा कि किलोमीटर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, सिंपल है। चलिए तो 25 तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे प्यारे साथियों, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे 5/18 से, लिख लिए। देखिए 25 में 5 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे साथियों 125/18, इसमें डिवाइड कर दिए तो 6.9 क्या चाहिए में आ गया मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें क्या में लिखना है मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर दिया गया इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए, तो देखिए साइकिल सवार की चाल कितना था तो 5 मीटर प्रति सेकंड, घटते क्रम लिखे मेरे प्यारे, तो मेरा आंसर कितना आया जी 6.9, उसके बाद 6.8, 6.7, 6.6, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, ये कब तक चलते रहेगा मेरे प्यारे साथियों 5 मीटर प्रति सेकंड तक ना पहुंच जाए जब तक। ठीक है, तो आप लोग डॉट 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 करके लिख लीजिएगा, तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आंसर, काफ़ी सिंपल था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए फोर नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक समान त्वरण क्या है? एक समान त्वरण, तो चलिए इसको भी जान लेंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए सिंपल है, फोर का आंसर लिखेंगे हम लोग, बराबर समय अंतराल पर वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, बराबर समय के अंतराल पर मेरे प्यारे साथियों कोई वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी होता है वेग में हुई परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, सिंपल तरीका से। अब सुनिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम सिंपल, जैसे आपको बताते हैं क्लास टेंथ के लिए हर चैप्टर के हम बना लिए थे। ठीक है, क्लास नाइन्थ के मेरे प्यारे साथियों एक भी वीडियो, मतलब इससे पहले हम नहीं बनाए थे, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए कि सर नाइन्थ का भी बना दीजिए, तो इसीलिए नाइन्थ को भी बना रहे हैं। और मेरे आशा से मेरे प्यारे साथियों सबसे बेस्ट है यूट्यूब पर, ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक सेकंड के बाद 4 मीटर प्रति सेकंड है, उसके बाद 2 सेकंड के बाद मेरे प्यारे साथियों 8 मीटर प्रति सेकंड है। क्या हो रहा है? बराबर समय के अंतराल पर वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को समान त्वरण कहते हैं। तो एक सेकंड में 4 हो रहा है, तो 2 सेकंड में बराबर ही होना चाहिए, 4 है तो 8 हो गया, 3 सेकंड में बराबर ही होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तो 4 12 हो गया, आगे 16 हो जाएगा, ऐसा ही चलते रहेगा। और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है जी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और त्वरण -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले जो दिया रहे उसको लिख लेंगे, v1 बराबर दिया गया है, v2 बराबर 0 मेरे प्यारे साथियों, a बराबर दे दिया गया है -4, s होता है दूरी के सूत्र से। ठीक है, तो समय निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसके क्या के फॉर्मूला होता है भाई? तो ये गति के नियम से। ठीक है, गति के प्रथम नियम से मेरे प्यारे साथियों ये फॉर्मूला होता है। तो ये का मान आपको दिया गया है, v2 का मान मेरे प्यारे साथियों आपको दिया गया है, v1 का मान भी दिया गया है, t हमको निकाल लेना है, समय निकाल लेना है, क्योंकि समय हमको नहीं दिया गया है। देखिए मेरे साथियों यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 4 में मेरे प्यारे साथियों -4 में t से मल्टीप्लाई किए तो -4t, और यहाँ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के 0 ही रह जाएगा, यहाँ पे 24 सिर्फ। ठीक है, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस में प्यारे साथियों कट गया, 4 से काट दीजिए 6 मरतबे, तो इसीलिए टी बराबर 6 सेकंड। यहाँ पे आपको सेकंड निकल गया मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेकंड पे नहीं छोड़ना है, आपको पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है देखिए, कि रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ से एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT2। तो एस का मान हमको तो निकालना ही है, यू के मान दिया गया है मेरे प्यारे साथियों 24, टी का मान आपको दिया गया है, हम लोग निकाल लिए कितना 6 सेकंड, तो रख दिए 6 प्लस हाफ मल्टीप्लाई -4, क्योंकि ए के मान यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो कितना निकला जी? तो 6 के स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना, प्लस तो प्लस लिख देते हैं, -2 तो -2, मल्टीप्लाई तो -2, 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36 144। देखिए 36 दुना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 72। ठीक है, अब कुछ नहीं, हमको घटा लेना है, तो 4 में 2 गया तो 2, और यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे साथियों? 14, तो 14 में 7 गया तो 7, 72। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। तो सिंपल है मेरे प्यारे साथियों, एक बार समझ लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए ये जो है समय निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है गति के नियम से, यहाँ से हम लोग सेकेंड का टाइम का मान निकाल लिए और उसके बाद इस पर दूरी पे पुट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हल कर दिए। बगल में प्यारे साथियों शादी है इसीलिए गाना भी बज रहा है, तो आप लोग गाना के भी आनंद लीजिए, यानी गीत चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखिए 6 नंबर है, क्या एक समान वित्तीय गति त्वरित गति है? ठीक है, बताना है मेरे प्यारे साथियों, क्या एक समान वित्तीय गति त्वरित गति है? तो इसका लिखेंगे प्यारे साथियों हाँ। बोलिएगा कैसे भाई? तो देख लीजिए, हाँ, क्योंकि वेग का परिणाम हमेशा बदलती है, वेग का मान मेरे प्यारे साथियों हमेशा बदलती है। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों, 7 नंबर, आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरित में गति है? तो देखिए, और वह असमान त्वरित में गति है, तो यहाँ पे आपको संकेत साफ साफ बुक में दे दिया गया है फर्स्ट के लिए और सेकेंड के लिए, तो यहाँ से पढ़ के मेरे प्यारे साथियों आप सिंपल है कि आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। चलिए 8 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है? प्रत्येक के लिए उदाहरण दे। देखिए अगर आपके पास बस बुक होगा मेरे प्यारे साथियों तो देख ही लेते जरूर, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, फर्स्ट का कहना है। सेकंड का मेरे प्यारे साथियों, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति तो कर रही है
तथा त्वरण उसका लंबवत हो। तो देखिए यहाँ पे दिया गया दोनों ही अवस्थाएं संभव है। कैसे संभव भाई? तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर ठीक है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब क्षण भर के लिए उसका वेग शून्य होता है, परंतु त्वरण गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। और सेकंड भी उसी प्रकार आपको लिख लेना है, सिंपल है, ये तो बुक में ही दे दिया गया है आपका संकेत, तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, नाइन नंबर मेरे प्यारे साथियों, एक खिलौने कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा की स्थिति समय ग्राफ चित्र 2.34 में दिखाया गया है। देखिए 2.34 में दिखाया गया है प्यारे साथियों, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं फटाफट। क्या जी, खिलौना तो आप लोग देखे ही होंगे बच्चा में। देखिए इसकी स्थिति क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, कार सबसे तेज, तो कहाँ पे कार सबसे तेज है? देखिए यहाँ से मेरे प्यारे साथियों सबसे जा रही है, क्या जी चाल यहीं पर है, तो कार सबसे तेज, तो यहाँ पे तो दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे छः, यानी दो दो के अंतराल में, तो बीच में क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया। तो सबसे तेज मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कार सबसे तेज मेरे प्यारे साथियों अवधि हो जाएगा 0 से 3 घंटे। कार रुकने की तब प्रारंभ जहाँ से हुआ था वहीं से ना रुकेगा जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से चलेंगे, चलिए देखिए मेरे प्यारे 0 से लेके 12 तक, तो इसका कहाँ तक हो जाएगा, प्रारंभ तो 0 से लेकिन अंतिम 12 तक, क्योंकि कार यहाँ से चली है टुक 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 टुक, कहाँ पहुँचेगी 12 के पास। कार धनात्मक दिशा आपको पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, इधर नहीं, जब पलटेंगे ना तब देखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है निर्देशक रेखा किस अवधि के कार धनात्मक दिशा में और किस अवधि में ऋणात्मक दिशा में है, तो यही चीज़ आपको लिखना था। धनात्मक कब होगा मेरे प्यारे साथियों? जब 0 से 3 घंटे, और ऋणात्मक कब होगा? 8 से 12 घंटा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न। चित्र में दिया गया फलना ढेकना, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। देखिए इसमें बहुत सिंपल, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जितना भी क्वेश्चन था शुरू वाला ही पूछता है, ये सब ग्राफ जल्दी नहीं देता, लेकिन ये सब आपको सिर्फ समझना है। तो देखिए कुछ नहीं, एक की ढाल सबसे अधिक है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, ये वस्तु यहाँ पर देखिएगा कि दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है, तो देखिएगा यहाँ पे दूरी है मेरे प्यारे साथियों, सबसे तेज किसका कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर है तो तेज ये चलेगा बी वाला, तो ए का आगे है ना, तो ए वाला चलेगा। तो इसी चीज़ को हम लिख दिए हैं, आप लोग एक बार पढ़ के और चित्र से देख लीजिएगा, ए की ढाल सबसे अधिक है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद लिखिए ए सबसे तेज है, क्योंकि देखिए यहाँ से मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे जा रहा है, 25 के पास, दूरी इधर ही है, समय इधर ही है, तो ये सबसे आगे है। उसके बाद मिलेगी कब, तो 18 से लेके 24 तक, यहाँ देखिए मिल रहा है जी, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं मेरे प्यारे साथियों, और ये 10 सेकंड बाद 5 मीटर, तो 50 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 25 मीटर। इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों आपको निकालना है 10 सेकंड बी की स्थिति, तो 10 सेकंड बी की स्थिति के लिए देखिए 12 मीटर, तो इसीलिए 50 सेकंड और क्या हो जाएगा, 22 मीटर। बोलिए सर कैसे पता करें, तो चित्र से आप लोग डायग्राम से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको 10 सेकंड के लिए निकालना है तो 10 सेकंड और 50 सेकंड, तो यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों सेकंड दिया गया है, तो 10 सेकंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और इसको फिर निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों ऊपर करेंगे, देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 के पास, तो 10 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। चलिए आई करना है मेरे प्यारे साथियों, तो इसी प्रकार बी की स्थिति आपको निकालना है, तो बी की स्थिति निकालने के लिए बी कहाँ पर है जी, यहाँ पर, तो इसका भी मान हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, सेकेंड आ जाएगा हम लोग का 22 मीटर और बी की स्थिति कहाँ पे, तो 12 मीटर पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो 12 मीटर आ जाएगा, और इधर नीचे लाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो 22 मीटर पे आ जाएगा। आइए की स्थिति भी देखिए उसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र इतना इतना दिखाया गया है, कार का पहले 3 घंटे में, उसके बाद 5 घंटे में, अंत में 4 घंटे में त्वरण किया जाता है, ठीक है, कितना होगा? तो इसको बहुत लॉन्ग जाता है लेकिन हम आपको बताते हैं एक, बाकी आपको खुद करना है। जैसे सबसे पहले 3 घंटा में, तो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, इतना आपको समय भी दिया गया है, देखिए वही फार्मूला मेरे प्यारे साथियों निकालने के लिए, तो बताइए V2 का मान दिया गया है रख लीजिए, V1 का मान दिया गया है, इसमें आपको समय दे दिया गया था 3, यहाँ से 30 में 0 जाएगा तो 30 कट गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब मेरे प्यारे साथियों पुट करना है U = 0, क्योंकि पहले की चाल जब शुरू नहीं हुआ था तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, तो चाल का फॉर्मूला अभी बताए थे UT + 1/2 A2², U का मान प्यारे साथियों ठीक है 0, T का मान 3 सेकंड दिया गया था, हाफ A का मान प्यारे साथियों दिया गया है
तो चलिए, और टी समय लिख दिया गया है। इसको देखिए, टू से काट दें तो पाँच, इसका कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तीन का स्क्वायर नौ और नौ पच्चीस 45 किलोमीटर। अब इसी प्रकार जैसे फर्स्ट के निकालने में प्यारे साथियों, इसी प्रकार आपको चार घंटे के भी निकालना है और पाँच घंटे के भी निकालना है। देखिए, तीन घंटा के हम निकालें, चार घंटा पाँच घंटा आपको खुद निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे प्यारे साथियों टाइम बदलिएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बोलिए बना लीजिएगा कि नहीं जी। सिर्फ आप यहाँ पे टाइम बदलिएगा, तीन के जगह आपकी चार रख के बनाना है और उसके बाद पाँच रख के बनाना है। तो इसी प्रकार जब भी बनाएगा प्यारे साथियों, तो देखिए जो चाल होता है इसको एस से सूचित करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब निकाल लेंगे, इसी प्रकार चार घंटे पाँच घंटे के लिए आपको निकालना है। तो जिस प्रकार प्यारे साथियों हम लोग पहले तीन घंटा में निकाले एकदम सेम टू सेम, इसी प्रकार आपको अब चार घंटे पे निकालना है फिर से। ठीक है, यहाँ चार घंटा लिखना है, सिर्फ टी का मान चेंज कीजिएगा, बाकी सब सेम रहेगा मैं प्यारे साथियों। और देखिए एस बराबर यहाँ मान निकला है को, तो आपको जब चार रखिएगा तो यहाँ पर कुछ और मान आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार पाँच घंटे पर, यहाँ पर फिर पाँच घंटा रखेंगे और टी का मान फिर पाँच रख देंगे। तो फिर से फिर मैं प्यारे साथियों यहाँ पर पुट, यहाँ पर आपको जीरो ही करना है, सिर्फ टाइम कम चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर पाँच घंटा चेंज करेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ पर आपको कुछ और आ जाएगा। फिर क्या लिखेगा, एस बराबर आपको तीन को मान आएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला है तीसरा घंटा वाला, दूसरा है चार घंटा वाला, तीसरा पाँच घंटा वाला। तीन घंटा वाला कितना है 45, सेकंड वाला आपको निकालना है, थर्ड वाला भी निकालना है, उसके बाद सभी को जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हल करना है और कुछ करना ही नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं क्या जी। चलिए कमेंट कर दीजिएगा प्यारे साथियों कि इसका कितना आंसर आया है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यार साथियों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह है आपका अपना चैनल UTM स्टडी। ठीक है, आपका अपना परिवार, क्लास टेंथ के हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा मेरे प्यार साथियों इस चैनल पे, तो इसीलिए आपको फिर भटकना नहीं होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे प्यार साथियों, सॉरी 12 नंबर देखिए। प्रमाणित करें कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, जहाँ यू वी ए एवं एस अर्थ समान है। चलिए तो इसको बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बस मेरे साथ आप लोग चलिएगा। तो सिंपल से बता देते हैं आपको, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्यारे साथियों गति के, जो बता रहे थे आपको उसकी गति सूत्र। इसका होता है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, इसे समीकरण फर्स्ट कहेंगे। क्या कहेंगे जी इसको, समीकरण फर्स्ट। एक होता है मेरे प्यार साथियों दूरी बराबर, सिर्फ एस बराबर जो लिख रहे थे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप लोग मेरे प्यार साथियों आराम से देखते हैं तो आपको 100% हम श्योर करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब मेरे प्यार साथियों हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, क्योंकि हमको टी का मान निकालना है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट कितना है जी, देखिए ए बराबर, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, टी को इधर भेज देते हैं, तो ए टी बराबर वी माइनस यू। हमको मान किसका निकालना है, टी का। इतना प्रक्रिया किस लिए कर रहे थे, टी के मान निकालने के लिए। ए को फिर इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों टी का मान समीकरण, ठीक है, सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पे टी का मान मेरे प्यारे साथियों समीकरण सेकंड में रखने पर। देखिए गर्मी इतना है कि हाथ से पसीना चल रहा है, ठीक ना, तब पर भी आपके लिए मेरे प्यारे साथियों वीडियो बना रहे हैं, बस आप लोग अपना जो फर्ज होता है वो कीजिए, मेरा जो फर्ज है मेरे प्यारे साथियों वो हम बना रहे हैं। तो देखिए यू, तो यू टी के जगह कितना रखेंगे, तो वी माइनस यू, आपका फर्ज सिर्फ है सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ, ए का मान मेरे प्यार साथियों, तो ए का मान ए ही रहने देते, और टी का मान कितना है जी, तो पुट रख दीजिए वी माइनस यू बटा ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यार साथियों अब क्या करेंगे, यहाँ से ना हम लोग कॉमन कर लेते हैं, इसके पास भी है इसके पास है, तो हम लोग एक कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, वी माइनस यू बटा ए, तो इसके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ यू। और यहाँ देखिए मेरे प्यार साथियों, यहाँ भी हम लोग कॉमन निकालनी है, यहाँ पे डबल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो। जैसे हम पूछेंगे मेरे प्यार साथियों टू गुने टू कितना, तो टू का स्क्वायर भी बोलिएगा, ऐसे भी दो दूना चार है, दो का स्क्वायर कितना होता है चार। तो इसी प्रकार प्यार साथियों यहाँ पे डबल है, तो एक तो बाहर खींच लिए,
ठीक है, एक बाहर के चलिए कॉमन तो लेने आता होगा मेरे फ्रेंड से, तो सिंपल है कॉमन के तरीका कि जितना हम लोग बाहर कॉमन ले रहे हैं उससे भाग दे देते हैं। तो देखिए वी माइनस यू बटा ए कॉमन लिए, इसमें भागा दे देंगे तो एक खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यू। उसी प्रकार इसमें भी भागा दे देंगे तो इसमें दो था एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, वी माइनस यू बटा ए, ठीक है। और यहाँ पे ए था तो ए से एक काट दीजिए मेरे फ्रेंड से, क्योंकि गुना में है। चलिए जी वी माइनस यू बटा ए, कोई दिक्कत नहीं सर। U तो U प्लस तो प्लस, देखिए 1 है 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो V माइनस यू, और 2 है मेरे प्यार साथियों तो कितना हो जाएगा 2। क्या करना है आपको, कुछ भी तो नहीं करना है, बस भीम के जोड़ घटाओ बच्चा की तरह। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2 U हो जाएगा प्लस V माइनस यू। क्या जी होगा कि नहीं बताइए, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है मेरे प्यार साथियों। चलिए आप लोग इतना तो शेर है कि समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यार साथियों, 2U में से ए गो यू घट रहा है, क्या जी 2u में से ए गो यू घट रहा है तो कित क्या बच जाएगा, ए गो यू बचेगा और प्लस भी तो प्लस भी, यहाँ पे कितना मेरे प्यार सकते हो 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सिर्फ कितना बराबर चल रहा था एस बराबर, तो ए और 2 में मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर सिर्फ लिख देते वी माइनस यू और यू प्लस भी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। देखिए 2e के इधर भेज देंगे मेरे प्यार सकते हो तो क्या हो जाएगा जी, लिखेंगे 2as हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए क्या देख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी मेरे प्यार साथियों किसका फार्मूला होता है आप लोग बताइए, तो आप लोग बोलिएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी प्रकार तो है u माइनस बी और वी बी प्लस यू, क्या जी उसी प्रकार ना है बताइए, तो जी सर। अब देखिए लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो इधर कुछ नहीं, इसको इधर लिख देंगे तो वही चीज़ हो जाएगा ना, देखिए भी इधर लिख सकते हैं भी प्लस यू, ठीक है सेम है ना, एक एक बार माइनस में एक बार प्लस में ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे लिखा तो बोलेगा सर ये तो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि प्लस में कर सकते हो, आपसे पूछे 2 + 3 तो बोलिएगा 5, अब पूछे 3 + 2 तो बोलिएगा 6, गलत ना हो जाएगा जी, ये भी तो 5 ही रहेगा, बढ़िया। चलिए तो इसी प्रकार में कर सकते हो, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब हमको मान निकालना कितना वी स्क्वायर का, तो यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2as, इधर प्लस में कर सकते हो इधर आएगा तो, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और वी स्क्वायर तो इधर रहने दीजिए, लेकिन हमको मान निकालना वी स्क्वायर बराबर पूछ रहा था, तो यू स्क्वायर और प्लस 2as क्या हो गया प्रूव्ड बोल सकते हैं या सीध हुआ, सिंपल है मेरे प्यार साथियों। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया मेरे प्यार साथियों तो आप लोग एकदम बवाल ठोक दीजिएगा, एग्जाम बोर्ड में आप लोग हिला दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को आप लोग तो जान ही रहे हैं, आप लोग खूब बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको लाल दिखे मेरे प्यार साथियों उसको काला बना दीजिए, देखिए यही ना लाना था जी, ठीक है। यहाँ देखिए वही चीज़ आया ना, चलिए मेरे प्यार साथियों अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो मेरे प्यार साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द लेके आने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यार साथियों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बिहार।